सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन सोमवार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए इस अहम खबर से करते हैं खबरों की शुरुआत। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में जहां बोलेरो के परखचे उड़ गए, वहीं बोलेरो में सवार 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई थी। आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े और बोलेरो में फंसे सभी सवारों को बाहर निकाला। घटना स्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। भारी पुलिस बल के साथ 4 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। यह हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत असनाव बैरा खास का है। बोलेरो सवार सभी दुल्हन की विदाई कराने असनाव के गंगापुर गए हुए थे। देर शाम लौटते समय यह भीषण हादसा हुआ है। बोलेरो चालक सहित दूल्हे के पिता की हालत गंभीर बताई गई है। 4 लोगों का जहां इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। घायलों के लिए बैराखास के ग्रामीण व एम्बुलेंस कर्मी सहित पुलिस के जवान मददगार साबित हुए। आपको बता दें कि ज्ञानपुर इलाके के भुसौला निवासी तीर्थराज के पुत्र राहुल की शादी असनाव के गंगापुर में हुई थी। विदाई कराने के लिए एक बोलेरो सहित एक कार गंगापुर गई हुई थी। कार पर दूल्हा दुल्हन सवार थे। दूल्हा दुल्हन को लेकर कार निकल गई थी। विदाई में शामिल लोग बोलेरो में सवार होकर भुसौला जा रहे थे। जैसे ही बोलेरो असनाव बैराखास मोड़ के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली से बोलेरो जा टकराई। हादसे में बोलेरो के परखचे उड़ गए। विदुरा निवासी बोलेरो चालक राम प्रसाद सहित दूल्हे का पिता तीर्थराज, बोलेरो में सवार बुधिराम, लल्लन, ज्ञानबाबू, विशाल, मंजे, रामधनी सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के EMT नंदलाल, आशीष, जियालाल, राजवीर व चालक वीरेंद्र कुमार यादव, विभाकर, सूरज कुमार, रितेश जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। घटना स्थल पर ग्रामीणों ने काफी मदद की। असनाव बैराखास मोड़ के समीप हुए इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक बोलेरो में कुछ बच्चे भी सवार थे। तेज रफ्तार के चलते पल भर में शादी की खुशी गम में बदल गई। देखते ही देखते जिला अस्पताल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया था। उधर हादसे में दूल्हे के पिता तीर्थराज व बोलेरो चालक राम प्रसाद की हालत गंभीर बताई गई है। दोनों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर सुशील कुमार तिवारी व असनाव पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची थी। उधर घायलों के अस्पताल पहुंचते ही जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी इलाज में जुट गए थे। हादसे की जानकारी दूल्हा व दुल्हन के परिजनों को मिलते ही सभी अस्पताल व घटना स्थल पर पहुंच गए थे। SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस बाहुबली विजय मिश्रा व उनके करीबियों व रिश्तेदारों की संपत्ति खोद खोद कर निकाल रही है। भदोही प्रयागराज मिर्जापुर के बाद अब भदोही जनपद पुलिस ने लखनऊ में मौजूद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा का 11,50,00,000 का बंगला जब्त किया है। एक आम इंसान को एक आसियाना बनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपके कुनबे का एक भी सदस्य राजनीति के किसी भी पद पर आसीन हो जाए तो देखते ही देखते किस तरह वह फर्श से अर्श तक पहुंचता है, इसका जीता जागता सबूत ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा हैं। DM गौरांग राठी के आदेश के बाद भदोही जिले के गोपीगंज की पुलिस ने लखनऊ में पहुंचकर विजय मिश्रा के बहू का बेशकीमती बंगले को जब्त किया है। अब तक भदोही जनपद पुलिस विजय मिश्रा व उनके करीबियों की लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बढ़ते गलन के बीच भदोही जिले में अलाव दिखने लगा है। लोग अलाव जलाकर ठंड को दूर कर रहे हैं। हवाओं के साथ पिछले 2 दिनों से भदोही जिले में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। ऐसे में सुबह शाम शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अलाव जलते नजर आ रहे हैं। यह अलाव की तस्वीर आई है ज्ञानपुर के बालीपुर से, जहां लोग अलाव जलाकर ठंड को दूर कर रहे हैं। बढ़ती हवाओं व ठंड के असर को देखते हुए अब भदोही जिले में अलाव दिखने लगा है।
भदोही में गजब चोरी की अजब कहानी सामने आई है। अभी तक हौसला बुलंद चोर बाइक, वाहन, दुकान व मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा सरकारी नलकूप ही चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इस गजब चोरी की वारदात को खुद खंड विकास अधिकारी भदोही ने स्वीकार किया है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा उधवा में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप का निर्माण कराया गया था। इस नलकूप का उद्घाटन 1968 में हुआ था, लेकिन इस नलकूप के चोरी का खुलासा 2022 में उस वक्त हुआ जब असनाव उधवा माफी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद यादव ने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी भदोही ने स्वीकारा है कि 18 माह पूर्व राजकीय नलकूप चोरी हो गया है। नलकूप का भवन व नाली क्षतिग्रस्त कर अब राजकीय नलकूप की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अबूझाल में मढ़े में आग लग गई। आग लगने से परिवार का भारी नुकसान हुआ है। 3 माह में मढ़े में आग लगने की यह तीसरी घटना है। हर घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल के नाम पर मामले की लीपापोती कर जाती है। मढ़े में आग लगी की यह घटना है कुरौना थाना इलाके के सिमरात गांव की। सिमरात गांव निवासी मगन पाल गैर प्रदेश में रहते हैं। उनकी पत्नी रेखा देवी व बच्चे गांव में रहते हैं। रात 11 बजे अचानक एक मढ़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दूसरे मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया। मढ़े में रखा अनाज, कपड़ा सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मढ़े में बंधे मवेशी को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल के बाद एक बार फिर लौट गई। परिजनों के मुताबिक 3 माह में शरारती तत्वों ने मढ़े में तीसरी बार आग लगाई है। परिजनों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे पानी टंकी के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है और पानी टंकी निर्माण रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा देवाजितपुर गांव का है। पानी टंकी निर्माण कार्य का विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर गांव के कृष्ण प्रसाद, बहु गौतम, रामाशंकर, अरविंद, गामा आदि का कहना है कि देवाजितपुर गांव के उस स्थान पर पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है जिस स्थान पर काफी समय से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। पानी टंकी का निर्माण रोकने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि इस संबंध में ग्राम प्रधान देवाजितपुर कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि जल कल विभाग ने जमीन चिन्हित की थी और हल्का लेखपाल ने नाप जोख कर वर्ग 4 की भूमि पर पानी टंकी का निर्माण कराने की अनुमति दी है। रविवार को भी भदोही शहर जाम से हाफता नजर आया। शादी विवाह के मौसम में सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के चलते घंटों शहर जाम में फंसकर हाफता नजर आया। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज का इलाका कुछ समय के लिए भीषण जाम की आगोश में समा गया था। नगर पालिका त्रिमोहानी, पायल टाकीज, कुटिया जमुन मार्ग व चौरी रोड पर भीषण जाम लगा था। जाम में एम्बुलेंस में सवार मरीज भी फंसे थे। भारी मशक्कत के बाद किसी तरह जाम को समाप्त कराया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। रफीक सादानी की यह चंद लाइनें नगर निकाय चुनाव में भाग आजमाने वाले संभावित प्रत्याशियों पर एकदम सटीक बैठ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा भदोही जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। 5 वर्षों से बदहाली पर आंसू बहा रही जनता का दर्द अब नेताओं को दिखने लगा है। नगर निकाय वार्डों की बदहाली पर चुप रहने वाले नेता अब घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं और नगर पालिका व नगर पंचायतों के बदहाल वार्डों की समस्या उठाने में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है इलाके के खमरिया नगर पंचायत से। बदहाल वार्डों की शिकायत को लेकर इलाके के विशाल तिवारी ने ईओ को पत्र सौंपा है और बताया है कि नगर पंचायत खमरिया के वार्डों की हालत बदतर है। नालियां व चैम्बर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ज्ञानपुर पटेल नगर में बाइक सवार कोचिंग के लिए जा रहे 3 छात्र घायल हो गए। घायल सभी छात्र देवनाथपुर इलाके के बनकट गांव के निवासी बताए गए हैं। बताया जाता है कि एक बाइक पर सवार होकर तीनों छात्र ज्ञानपुर कोचिंग के लिए जा रहे थे, तभी पटेल नगर के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहाँ तीनों छात्र घायल हो गए, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। टक्कर मारने वाली कार एक चिकित्सक की बताई गई है। घायल छात्रों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है।
भदोही जिले के किसानों की सहूलियत के लिए डीएम गौरांग राठी हर वह कदम उठा रहे हैं जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। चाहे मामला खाद का हो या फिर धान क्रय केंद्र का, किसानों की सहूलियत के लिए गोपीगंज मंडी समिति में 4 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसानों को धान बेचने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 4 केंद्रों पर अलग अलग सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। सहकारी समिति गोपीगंज के विपणन अधिकारी शेर बहादुर सिंह ने बताया कि अब तक धान क्रय केंद्रों पर 6622 कुंतल धान किसानों से खरीदे जा चुके हैं। दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर में बाइक सवार घायल हो गया है। हादसे के बाद बाइक चला रहा दोस्त अपने ही साथी को सड़क पर घायल हालत में छोड़कर बाइक लेकर फरार हो गया। मामला चौरी तिराहे का है। चौरी तिराहे पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बरदहा गांव निवासी 25 वर्षीय धीरज राजभर घायल हो गया। टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि बाइक चलाने वाला धीरज राजभर का दोस्त बरदहा निवासी मंगल शर्मा उसे सड़क पर घायल हालत में छोड़कर फरार हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने इस बीच चौरी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल धीरज राजभर को एम्बुलेंस के जरिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंची थी। मानक को दरकिनार कर नाली निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामला डीग विकास खंड के ग्राम सभा केवटाही बिंद बस्ती का है। हो रहे घटिया नाली निर्माण को लेकर नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को रोककर जांच कराए जाने की मांग की है। नाली निर्माण की जानकारी ग्राम सभा के सचिव गुलाब सरोज को भी नहीं है। इस बात को खुद सचिव ने भी स्वीकारा है। केवटाही बिंद बस्ती के रमेश बिंद, दिनेश बिंद, मनीष बिंद, गीता देवी, मीना देवी आदि ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि लाल जी के घर से पन्ना लाल के घर तक नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ईंट काफी घटिया है। मानक को दरकिनार कर नाली का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत के बाद ग्राम प्रधान द्वारा धमकी दी जा रही है। उधर ग्राम प्रधान अरविंद यादव का कहना है कि पहले मनरेगा के तहत कच्ची नाली की खुदाई कराई गई थी, अब पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा है। उधर ग्रामीण घटिया नाली निर्माण मामले की जांच कराए जाने पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मजदूर विकास संगठन की एक बैठक गोपीगंज के पूरे रजई मोहल्ले में संपन्न हुई है। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश बिंद मौजूद रहे। इस दौरान अभय कुमार बिंद को संगठन का जिला महासचिव तथा जितेंद्र कुमार बिंद को गोपीगंज नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बैठक में मजदूर हित में काम करने का संकल्प लिया गया। कहा कि मजदूरों के मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए संगठन लड़ाई लड़ता रहेगा। बैठक में तारा शंकर बिंद, सतीश कुमार, गोपाल बिंद व प्रमोद बिंद सहित संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। मौर विकास समिति की एक बैठक ज्ञानपुर में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान पुरानी सभी कमेटियों को भंग करते हुए नई कमेटी के गठन पर चर्चा की गई। मौर विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जहां बैठक में पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी के गठन पर चर्चा की गई। कहा कि नई कमेटी का गठन अगली बैठक में किया जाएगा। बैठक में ओम प्रकाश मौर्य, डॉक्टर श्यामधर मौर्य, राजेश कुशवाहा, अनिल मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। मतदाता नामावली पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को ज्ञानपुर जीआईसी इंटर कॉलेज में बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे थे। चुनाव को लेकर यह विशेष अभियान चलाया गया। निर्वाचन अधिकारी मुकुंद श्रीवास्तव ने बताया कि भदोही जिले में 1250 बूथों पर बीएलओ की ड्यूटी विशेष अभियान के तहत लगाई गई है और नए नाम बढ़ाए जा रहे हैं तथा मृतकों के नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद तहसीलों में डाटा फिटिंग का कार्य किया जाएगा। डाटा फिटिंग का यह अभियान दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अभियान को लेकर दिन भर अधिकारी बूथों पर निरीक्षण करते देखे गए। वैवाहिक कार्यक्रम से हौसला बुलंद चोरों ने बाइक गायब कर दी है। मामला मोड़ पुलिस चौकी इलाके के सिहरा गांव का है। करियाव के बसपरा निवासी सूरज यादव अपने दोस्त के बहन की शादी समारोह में सिहरा गया हुआ था। बाइक खड़ी कर वह शादी समारोह में शामिल होने चला गया। इसी दौरान मौका पाकर चोरों ने उसकी फैशन प्रो बाइक गायब कर दी। सूरज यादव ने बाइक चोरी की सूचना मोड़ पुलिस को दी है। अपना दल यस द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत पार्टी पदाधिकारी लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में भदोही शहर के तहसील स्थित रिंग मार्केट में पहुंचकर पार्टी के नेता डॉक्टर रुद्र प्रकाश पटेल ने दर्जनों लोगों को अपना दल यस की सदस्यता दिलाई है।
सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को अपनों के बीच शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारे उत्साह को और बढ़ाते हैं। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।